नमस्कार दोस्तों दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद सोनू का वीडियो वायरल हो रहा है तेजी से, जिसके बाद वह काफी सुर्खियों में आया है। उसका सपना है कि वह आईएएस बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का पोल खोलने वाला वायरल वॉइस सोनू अब कोटा में पढ़ेगा। दोस्तों उसका सपना है कि वह आईएएस बने। वीडियो वायरल होने के बाद उसके पास कई लोग पहुंचे। सबने दोस्तों अपने अपने स्तर से मदद की बात कही थी। सोनू सूद, तेज प्रताप यादव, सुशील कुमार मोदी, पप्पू यादव और कई बड़े बड़े चेहरों ने सोनू से संपर्क किया था, लेकिन अंत में सोनू ने अपने चाचा की बात मानी और दोस्तों अब वह कोटा में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सोनू वहां के एक नामी संस्थान में पहुंच गया है। सुर्खियों में आने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी सोनू के घर पहुंचे थे, उसे गोद लेने की बात कही थी। दोस्तों अब एलएन में पढ़ रहे हैं सोनू। पप्पू यादव ने भी उसे आर्थिक मदद करते हुए आजीवन पढ़ाई कराने का वादा किया था। पटना के चर्चित शिक्षक रहमान सर ने भी सोनू को एक पुत्र के रूप में गोद ले लिया था। इधर चर्चा में काफी रहे सोशल मीडिया पर मशहूर एक्टर सोनू सूद ने भी सोनू का नामांकन करा दिया था, लेकिन दोस्तों उसने तमाम ऑफर्स को ठुकरा दिया था। सोनू ने अंत में चाचा की बात मानी। एडमिशन के बाद सोनू ने एक वीडियो जारी किया है दोस्तों, नामांकन के बाद जो अब वायरल हो रहा है। दोस्तों वीडियो में सोनू ने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि तुम्हारे चाचा नामांकन नहीं कराएंगे, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन चाचा ने चॉइस करके कोटा भेजा है मुझे। इधर कोटा के जिस संस्थान में सोनू पढ़ने गया है वहां के डायरेक्टर ब्रजेश माहेश्वरी ने कहा कि सोनू के रहने खाने पढ़ने का इंतजाम संस्थान की ओर से किया जाएगा। ये सुविधा उसे तब तक मिलेगी जब तक कि वो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना अपना पूरा नहीं कर लेता है। दोस्तों सोनू के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों, क्योंकि वह छोटी सी उम्र में आईएएस बनने का सपना रखता है, अपने जुनून रखता है अपने अंदर और हौसला रखता है और एक दिन आईएएस बनके भी दिखाएगा लोगों को। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सोनू के लिए तो लाइक करके जरूर जाना। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।